बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ है एक पीएचडी स्कॉलर जिन्होंने साइकोलॉजी में परस्यू किया है पीएचडी, तो जिनका नाम है शौकत साहब, जो कि अपना बिज़नेस यहाँ पर अपना रेवेन्यू खुद जनरेट कर रहे हैं, और वो है फ्रूट का। तो उसमें खसूसन हमारा इनका जो फ्रूट है छोटा वाला, वो है चेरी का। तो शौकत, बहुत बहुत मुबारकबाद हो अपने बिज़नेस के लिए, अपने जॉब के लिए। शुक्रिया मुझे टाइम देने के लिए और अपने चैनल पर मुझे इन्वाइट करने के लिए। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट थे। मैं ही नहीं, एक स्कॉलर जो है जिसने रिसर्च की है, तो ऐसे बहुत सारे हैं मेरे फ्रेंड्स जो बेचारे एज कंट्रेक्चुअल या एडॉक बेस पे 3 मंथ्स या 4 मंथ्स पे काम करते हैं, और बहुत ही उनकी लिमिटेड सैलरी रहती है, और 3 या 4 मंथ्स के बाद उनको फिर उनका टाइम ख़त्म हो जाता है। तो उसके बावजूद हमने बहुत सारे इस पे जो हमारा जो फ्रूट है सोर्स ऑफ इनकम जो है जो यहाँ पे कश्मीर की जो बैकबोन है फ्रूट्स का, हम यहाँ पे डेवलप करते हैं, नई नई वैरायटीज आते हैं, तो वो बिजनेस भी हमने स्टार्ट किया है। और इसमें इंसान को डिपेंडेंसी भी नहीं रहती, इंसान इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारता है। सही बात है कि अगर हम यहाँ की बात करेंगे कश्मीर में, तो गवर्नमेंट जॉब के बगैर भी इंसान बहुत कुछ कर सकता है। अगर वो अपने बागों में या ज़मीन पे थोड़ा जो उनके जो बागात है उन पे अगर वो थोड़ा डेवलपमेंट करेंगे, नई नई वैरायटीज़ जनरेट करेंगे, तो उनसे भी उनको बहुत तरह का बहुत एक रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। चलो, बात करने के लिए शुक्रिया शौकत। थैंक यू सर। तो यह शौकत साहब जो कि हमें एक पीएचडी स्कॉलर है। मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर कितनी कितनी खूबसूरत वैरायटीज़ है। पॉज करते वीडियो।